जी, सबसे पहले तो मैं सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हमारे कल्चर में ये कहा जाता है कि कोई भी त्यौहार तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक परिवार शामिल ना हो। तो ये हमारा एक पुलिस परिवार है, इसलिए हमें नहीं सोचा कि जब तक हम खुशियाँ अपने परिवार के साथ नहीं मनाएंगे तो संपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ ये आयोजन हमने इसलिए रखा है, नवरात्रे देवी माँ से जुड़े हैं और हमारे यहाँ पर छोटी बच्चियाँ, जो हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं जो घरों से बहुत कम निकलती हैं और उनको बहुत कम मौके मिलते हैं अपना हुनर दिखाने के और अपनी प्रतिभा दिखाने के। आपने आज देखा होगा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर से लेके छोटी छोटी उनकी बच्चियों से लेके सब परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें ये मंच देना उन्हें ज़रूरी था कि वो भी निकले बाहर और वो सिर्फ अपनी ड्यूटी ना करें बल्कि एक और जो उनका छुपा हुआ रूप है वो भी हम उन पूरी दुनिया को दिखा सकें। तो इसी बहाने हम सब लोग मिलके यहाँ पे खुशियाँ एक दूसरे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह से नवरात्रि चल रही है, सभी ड्यूटी में लगे हुए हैं, किस तरह से आपने समय इन लोगों का निकलवाया कि प्रिपरेशन कर सकें? आप बिलीव नहीं करेंगे, ये लोग अपनी ड्यूटी नियमित रूप से कर रहे हैं और उसके ड्यूटी के आने के बाद इन लोगों ने प्रैक्टिस करी है। हम लोगों ने बाहर से किसी भी आयोजक को, मतलब किसी भी डांस सिखाने वाले को नहीं बुलाया, इन्होंने खुद ही अपने आप, हमारी जितनी भी ऐसा ही है, मैं उन लोगों को भी बुलाना चाहूँगी यहाँ पर कि जिन्होंने यहाँ पर सबको सिखाया है। नेहा रश्मि ये सब हैं जिनका भरपूर हमें सहयोग मिला है और ड्यूटी के बाद इन्होंने यहाँ पर आके अपना कीमती समय देकर इस आयोजन को सफल बनाया है। मैम, यहाँ पर हमने काफ़ी टैलेंट देखा, अभी जैसे नृत्य देखा, महिला थाना प्रभारी थी, छोटे छोटे बच्चों ने भी किया, मैम आपकी बिटिया ने भी किया, बड़ा सुंदर। तो पहली बार हम देख पा रहे हैं कि ये टैलेंट, आपके मन में कब थॉट आया कि ये टैलेंट मतलब निकालना चाहिए इस तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग अपने परिवार के बच्चों को, बड़ों को एक मंच दें जिसपे प्रतिभाएं सब में होती हैं, देखिए बस वो छुपी होती हैं, उन्हें एक मंच की ज़रूरत होती है। तो हमारा बेसिक मोटो ये है कि मंच उन्हें प्रोवाइड करवाएं जिसपे वो लोग, जो भी उनकी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, वो अपना बाहर निकाल सकें। और हमारी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग इनके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं और जो भी बच्चों में टैलेंट है, बड़ों में है, तो उनको सामने लेकर आएँ। सब इंस्पेक्टर प्रीति पांडे, चौकी प्रभारी जिंजरी, थाना माधव नगर। हम लोग इतना बिजी शेड्यूल के बाद यहाँ पर आके कर रहे हैं क्योंकि हमारा यही पुलिस परिवार है और ये मौका हमें मैम ने दिया, वरना हम तो वर्दी में खड़े होकर सिर्फ देखते रहते हैं और अपने पैर थिरकाते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते, बट ये फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला है। कटनी में ये पहला आयोजन है और सर ये पूरा श्रेय हम मैम को ही दे रहे हैं। मैम ना होती तो हम लोग कर ही ना पाते, हम लोग बस वही जाते आज ड्यूटी करते और बस देखते रहते, सबको गरबा करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मैंने। किस डांस मतलब किस डांस में आपने परफॉर्म किया था? मैंने उड़ी उड़ी जा पे करा था। इसकी मतलब आपको प्रिपरेशन किसने कराई थी? मैंने मम खुद से करा था। आपके पापा का नाम? ललित शाक्यवार। मम्मी का? मधुर खन्ना शाक्यवार। और आपका? ओजस खन्ना शाक्यवार। अच्छा लग रहा है, ट्रेनिंग के बाद पहली बार ऐसा मौका दिया है मैम ने, थैंक यू सो मच मैम सर। और मैम थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। एक हेक्टिक शेड्यूल के बाद बहुत सारा इन्जॉय किया और वो क्लासेस वो सब हम लोग बहुत मिस करेंगे मैम, थैंक यू सो मच। ऐसा होता रहेगा।